अपना कर्ज जो है कि चुकता करने के लिए, जिससे कर्ज लिया था उन लोगों को रोज रात में अलग अलग मर्दों को इनके साथ भेजता था और जोर जबरदस्ती बोल के इनसे धंधा करवाता था। जो हमारा काम है वो करेंगे, हम भी मजबूर है क्योंकि उनको हम पैसे दिए हैं, हम तो फ्री तो आए नहीं है। वो भी मारते पीटते थे, अपना काम करते चले जाते थे। जो आपसे धंधा करवाता था वो पैसा वो तो लेता होगा ना? वो तो बिल्कुल रखता है पैसा, वो तो हमें भी नहीं मिला कि कितने में आते हैं कितने में जाते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए हम एकदम अनजान थे। डीएनए टेस्ट जो कराने का बात चल रहा है, वो डीएनए टेस्ट हो कि आखिर ये लड़का किसका है, जब ये सच्चाई है तो ये पीछे नहीं हटेंगे, आप इस बात से पीछे तो नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। क्या नाम होगा बाबू? आयुष चौबे। आयुष चौबे, हाँ। अब बताइए ये लड़का खुद कंफ्यूज है कि अब हम चौबे बोले कि दलित समाज से हैं तो क्या लगाएं अपना टाइटल। एक दलित समाज की लड़की जिससे जो है कि ब्राह्मण परिवार का एक लड़का शादी का झांसा देता है और शादी का झांसा देके मुंबई ले जाकर शादी करता भी है, शादी करके इनके साथ और खुद इनसे ही यानी कि अपनी पत्नी से देह व्यापार करवाने लगता है इनका पति और इनसे धंधा करवाने लगता है और धंधा सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाता है क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ था और अपना कर्ज जो है कि चुकता करने के लिए, जिससे कर्ज था उन लोगों को रोज रात में अलग अलग मर्दों को इनके साथ भेजता था और जोर जबरदस्ती बोल के इनसे धंधा करवाता था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रीना है। आप आपके पति का क्या नाम है? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। प्रमोद कुमार चौबे और उर्फ सूरज मिश्रा, ब्राह्मण परिवार से वो लड़का है। क्या करवाता था आपके साथ? सीधा डायरेक्ट मुंबई ले गया, वहाँ से शादी विवाह किए, जबरदस्ती जोर से शादी किए, करवाने के बाद फिर धंधा करवाने लगे डायरेक्ट। जी। और आपको कुछ दिन या कुछ महीने कुछ साल अच्छे से रखा नहीं वहाँ पे? नहीं रखा था, अच्छे से रखा भी था, जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी तब ये सब काम पे उतर गया। उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो यानी कि किसी और से पैसा लेकर और आपसे धंधा करवाता था? जी हाँ। क्यों, वो कुछ कमाता वमाता नहीं था मुंबई में? ये तो हमें नहीं पता था कमाता था कि नहीं कमाता था, जब तक हमें रखा था वहाँ पे एक रुपया हमें देता नहीं था, बोल के जाता था कि हम नाइट करने जा रहे हैं डे करने जा रहे हैं, लेकिन एक रुपया पता नहीं चलता था उनका कि है कि नहीं है, एक रुपया भी नहीं देता था। जी नहीं। और जो आपसे धंधा करवाता था वो पैसा वो तो लेता होगा ना? वो तो बिल्कुल रखता है पैसा, वो तो हमें भी नहीं मिला कि कितने में आते हैं कितने में जाते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए हम एकदम अनजान थे, हमें नहीं पता था क्या करता है क्या नहीं करता, बस इतना जानते हो कि उनको पैसे चाहिए तो चाहिए, बस इस लाइन में उतर के धंधा हमको करवाना है तो करवाना है। और आप कभी मना करती थी तो? मना तो आप करती होंगी कि ये कौन किसको आप अलग अलग मर्दों को भेजते हो रोज रात में, आप कहाँ चले जाते हो रोज रात में, पूछती होंगी आप? हाँ बिल्कुल, हम पूछे हैं तो वो हमारा वीडियो बना लिया था, जिससे कि हम अपना और हमारा वीडियो बना के उसी समय ब्लैकमेल कर रहते हैं कि तुम ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे पीटेंगे, जैसे हम बोले तुम ऐसा करो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। जी हाँ, यही धमकाता था आपका पति? मारते भी थे वहीं पे, घर में बंद करके मारते थे पीटते थे, बहुत कुछ करते, सांसद तो ऐसा हमारा होता था कि जीने का मन ही नहीं करता था। तो आप अपने गांव पे घर पे या मायके में किसी को कॉल करके भाई बाप जो भी हो आपका किसी को बताने का कोशिश नहीं करती थी? जी हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं था ना हमारा कोई संपर्क था, फोन तोड़ दिया था हमारा, फोन तोड़ दिया था। जी हाँ, हमारा फोन सिम सब तोड़ दिया था, सब लोकेशन बंद कर दिया था ना, किस कहीं आना है ना जाना है ना किसी से बातचीत करना, कुछ भी नहीं। अच्छा, जो लोग या जो मर्द रात में आपके साथ संबंध बनाने के लिए आता था, जो जो आपके पति को पैसा दिया था वो लोग आता था, तो उसको तो मना करती होंगी, उसको आप कुछ बोलती होंगी तो कुछ नहीं होता था? वो भी क्या करते, वो भी मजबूर थे, बोलते जो हमारा काम है वो करेंगे, हम भी मजबूर है क्योंकि उनको हम पैसे दिए हैं, हम तो फ्री तो आए नहीं है। वो भी मारते पीटते थे, अपना काम करते चले जाते थे, अभी क्या करते वो भी। देखिए, इनका जो स्टोरी या कहानी जो भी कह लीजिए या जो इन पे बीता है ना, वो ऐसा है कि क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात कि ये दलित समाज की बेटी है और जो लड़का यानी कि इनका पति है वो ब्राह्मण समाज का इनका पति है। अब बताइए कि आखिर दलित समाज की बेटी को झांसा दिया जाता है कि आपसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुंबई जैसे महानगर में लेके जाया जाता है और वहां पे लेके जाके धंधा करवाया जाता है। आप FIR वगैरह नहीं की हो अपनी अपने पति पर? यहाँ से आके हम किए हैं। तो क्या हुआ? अभी कुछ सुनवाई नहीं है, बस कोर्ट कचहरी यही सब चक्कर लगा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा जी है। नहीं, कप्तान सर बोल रहे हैं कि इनका जांच होगा, DNA जांच होगा। हम यही चाहते हैं कि इनका पूरी तरह से जांच हो भाई, इनका हक चाहिए। ये आपके लड़के हैं? जी हाँ। कितने साल के हो गए? 10 साल के। क्या नाम होगा बाबू? आयुष चौबे। आयुष चौबे, हाँ। अब बताइए ये लड़का खुद कंफ्यूज है कि अब हम चौबे बोले कि दलित समाज से हैं तो क्या लगाएं अपना टाइटल, और जो इनका पति है यानी कि इस लड़के का बाप है वो क्या नाम बताइए उनका? प्रमोद कुमार चौबे। प्रमोद कुमार चौबे, वो जो है कि इनको ना अपना बेटा मानते हैं, इनको ना अपना पत्नी मानते हैं। आखिर क्या होगा? जो DNA टेस्ट करवाना है उसका कुछ डेट वगैरह या कुछ बोला गया कि इस दिन DNA टेस्ट होगा? अभी कुछ बोला नहीं गया है, सिर्फ अभी
जानकारी मतलब ले रहे हैं, दूर दूर से ले रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जब भी हम जा रहे हैं तो बस खाली डेट उस पे साइन करके छोड़ दिया जा रहा है। बोलते हैं कि चलो हम जांच करके बताएंगे। जलालपुर से है, और हमें देखो ये भी बोलना था कि हम जब किराकत गए थे, हमारा वहाँ बयान था, बयान लिखा जा रहा था, तो वहाँ पे प्रमोद कुमार चौबे थे, वहाँ पे हमको धमकाया गया था कि बयान अपना वापस ले लेना, हम जान से मार देंगे। ऐसे धमकाया गया था आपके पति के द्वारा? जी हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना बयान वन दिए, सब बोले थे, क्योंकि भैया भी थे, हमारे छोटे भाई भी थे, मम्मी भी थी, सब लोग थे वहाँ मेरे, वही बोल रहे थे कि अगर अपना बयान वापस ले ले, केस वापस ले ले, तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ऐसे बोलते जी, डायरेक्ट ऐसे ही बोलते हैं। आपके पति को पुलिस एक बार भी उठा के नहीं ले गई है थाने में, या कुछ नहीं हुआ है उनका? अभी नहीं ले गई उनको। कितना दिन पहले या कितना महीना पहले FIR की है? अभी ज्यादा नहीं, एक महीने से सब सिलसिला चल रहा है। एक महीने से? जी। और आपका पति है कहाँ? घर पे है, वो घर यही बगल वाले गांव में। हाँ, बगल वाले गांव। वो कभी फोन ऑन नहीं करते हैं या मिलने का प्रयास नहीं करते हैं? नहीं, वो तो शकल भी नहीं दिखाते, तो मिलने की बात ही बहुत दूर है। और पहले जब आपको आपसे प्यार का ढोंग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, तब तो उस समय आपके आगे पीछे घूमते होंगे? बिल्कुल, एकदम आगे पीछे घूमते थे, नहीं किसी से मतलब, न कहीं आना न जाना, खुद स्वयं खुद लेके जाना, स्वयं खुद लेके आना आपको। जी हाँ, इतना उस समय करते थे। हाँ, इस समय ऐसा था। लेकिन अब आपको पछतावा हो रहा होगा कि जो हमने लव मैरिज किया या घर से भागकर शादी किया, अब आपको पछतावा हो रहा होगा कि माँ बाप के कहने अनुसार काम किए होते? जी हाँ, अब तो पछतावा हो ही रहा है। देखिए, ये मामला कोई पहला मामला नहीं है हमारे बिहार या उत्तर प्रदेश या पूरे देश में, समझ लीजिए कैसा हजारों मामला पड़ा हुआ है। और ये मामला जब होता है प्रेम प्रसंग में, कोई भी लड़की पड़ती है और जाके वहां शादी करती है लड़के के साथ, लड़का धोखा दे देता है और ऐसा कुछ करने लगता है कि लड़की को ठोकर खा के फिर से अपने घर यानी कि मायके आना पड़ता है, और फिर पछतावा होता है कि हमने बहुत गलत कर दिया। तो जो लोग अगर ऐसा करना चाहते हैं, करने से पहले आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, सौ बार नहीं, हजारों और लाखों बार सोचिए कि क्या इनकी तरह भी आपका हालत हो सकता है। और ज्यादातर लड़कियों का हालत ऐसा होता है। तो थोड़ा प्रेम प्रसंग करने से पहले या शादी करने से, लव मैरिज पहले, ये सब बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि परिवार तो उस समय आपसे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर इसी परिवार के पास आना पड़ता है और यही परिवार अपनाता है और बेटी बना के फिर से यही परिवार रखता है। और वो जो जिसको ये पति मान रही थी, वो आज ना इनसे मिल रहा है, ना इनको अपना पत्नी बता रहा है, ना इसको अपना बेटा बता रहा है। अब करे तो करे का, ये जो लड़की है दलित समाज की बेटी है, दर बदर भटक रही है। बाकी बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, और डीएनए टेस्ट जो कराने का बात चल रहा है, वो डीएनए टेस्ट हो कि आखिर ये लड़का किसका है। जब ये सच्चाई है तो ये पीछे नहीं हटेंगे। आप इस बात से पीछे तो नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमको जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम वहाँ तक लड़ेंगे, वहाँ तक जाएंगे। जी देखिए, ये हर जो है कि हद पार करेंगी अपने पति को पाने के लिए या अपने मामले को न्याय पाने के लिए, न्याय हो इनके मामले में। बाकी आप लोग बताइएगा कि इस मामले के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।